हेलो भाई लोग, कैसे हो, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं पीके और ओपी एडिटर में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम करने वाले हैं काइन मास्टर वाटर मार्कर को कैसे हटाएं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसा वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए आप लोग को एक यकीन दिलाना चाहते हैं कि सच में हटता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कोई भी यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं सच में हटता है या फिर नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा हटा हुआ है। अगर आप भी ऐसा हटाना चाहते हैं तो हमारे रूल्स को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं फॉरम में। फॉरम में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है काइन मास्टर डिजिट बिन, काइन मास्टर मोड डिजिट बिन। तो हम लिख ले रहे हैं TIN। ये देखिए मेरे पास आ गया ऑप्शन, तो हम इसमें जाते हैं। इसमें जाने के बाद आपको सेकेंड वाला ऑप्शन में जाना है। सेकेंड वाला ऑप्शन में जाने के बाद थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे गो टू पेज डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको कौन सा चूज करना है हम बता दें। 5.1.2 को आपको सेलेक्ट करना है और इसे डाउनलोड करना है, क्योंकि मैं इसे ही डाउनलोड किया हूँ। मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ, आप भी डाउनलोड कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसा सा वीडियो हम लाते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।